सलमान खान फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने का बड़ा कारण इसकी स्क्रिप्ट और सलमान का सीरियस रोल था। सलमान ने सोचा कि उनका ये सीरियस रोल ऑडियंस को पसंद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलमान को हंसी मजाक और एक्शन फिल्में करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने सीरियस रोल चूज किया। उन्हें लगा कि शाहरुख की तरह वो भी सीरियस रोल करके चमक जाएंगे, लेकिन उनके इस रोल को ऑडियंस ने ना ही अपनाया और ना ही पसंद किया। आपको उनकी वजहों के बारे में बताते हैं जिस वजह से सलमान ने ट्यूबलाइट करने का फैसला लिया था। ट्यूबलाइट को कबीर खान ने डायरेक्ट किया। कबीर सलमान के फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। पिछली बार सलमान ने कबीर की बजरंगी भाईजान में काम किया था, जो सुपरहिट थी। इसलिए सलमान ने बिना सोचे समझे फिल्म साइन कर ली। सलमान को लगा था कि कबीर की फिल्म है तो हिट तो होगी ही, लेकिन फिल्म का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। इसके अलावा इस फिल्म में सलमान का रोल काफी सीरियस और अलग था। सलमान ने फिल्म में मंद बुद्धि का रोल प्ले किया। एक्शन करने वाले सलमान का ये अंदाज उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिल्म में सलमान ज्यादातर समय रोते धोते नजर आए। सलमान कॉमेडी ना करे तो ऑडियंस को कुछ अधूरा सा लगता है। इसलिए इस फिल्म में ऑडियंस ने सलमान को पसंद नहीं किया और फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान भोले भाले पवन कुमार के नाम से नजर आए थे। साथ ही इसमें उनके साथ एक बच्ची भी थी। बच्ची के साथ सलमान की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई थी कि ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। सलमान ने इस फिल्म को भी बच्चे के जरिए बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका पाशा उल्टा पड़ गया। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।